एवरीवन, दिस इज मीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टमेनिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी कार की हेडलाइट के बल्ब को करने वाले हैं चेंज। मतलब उनको अपग्रेड करेंगे हम वाइट हेलोजन बल्ब से। फिलहाल जो मेरी कार में बल्ब लगे हैं वो हैं 130x100 और जो है आप देख सकते हैं हाई वोल्ट के बल्ब हैं, और आफ्टर मार्केट हैं जो हमारी कंपनी के आते थे 155x65 के हमें देखने को मिलते थे, पर उनको हमने अपग्रेड कर दिया 130x100 में। तो आज हम इन येलो बल्ब को कन्वर्ट करेंगे वाइट बल्ब में। कुछ का रिस्पांस बताऊं, जो हमने पहले वाले बल्ब लगाए थे उनका कैसा रिस्पांस है, तो आपको पता होगा कि अपग्रेडेड बल्ब है और रात के टाइम पे काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको नाइट के सीन भी दिखा रखे हैं। फिलहाल अगर हम उनकी प्राइसिंग की बात करें तो वो मुझे अप्रॉक्स 600 के मिल गए थे। अगर आपको लेने होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो वाइट लाइट लगाना सही है या फिर हेलोजन लगाना सही है, तो यार ये चीज़ आप पहले समझ लो अच्छे से। अगर आप विंटर टाइम पे यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि येलो हेलोजन बल्ब लगाओ, और वाइट वाले जो हैं मतलब ऑल सीज़न कह सकते हो, पर विंटर के टाइम पे शायद उतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं, समर के टाइम पे अच्छा वर्क करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भाई मार्च आ ही चुका है और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब मैंने सोचा कि एक बार हेलोजन को अपग्रेड कर दिया जाए वाइट के साथ। तो अब मैं आपको अपने बल्ब दिखाता हूँ जो बल्ब मैंने मंगाए हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा 130x100 का बल्ब, और ये वाइट कलर में हमें देखने को मिलता है, H4 है। तो इसको अपनी कार में फिट करते हैं। बाकी अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। आगे से इसकी पूरी कवरिंग है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। होता क्या है कि बहुत से लोग सीधे से डाल के देते हैं, मतलब जो सस्ते वाले नॉर्मल बल्ब आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो सिंपली इसको डाल देते हैं। देख सकते हैं ये हमारा बल्ब है जिसको हम फिट करने वाले हैं, और यहाँ पे इसमें दो तीन चीज़ें आपको अलग दिखेंगी जो यहाँ पे देख सकते हैं। बीच में इसमें थोड़ी सी लेमिनेशन छूटी हुई है, ब्रांडिंग भी हमें देखने को मिलती है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे लेज़र PHC या PHO जो भी लिखा है, वो मेरे को भी पढ़ने में नहीं आ रहा सही से, ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है 130x100 के बल्ब है ये। तो इसको हम अपनी कार में फिट करते हैं आगे से, और एक बार मैं अगर आपको नॉर्मली अभी लाइट दिखाऊँ अपनी, तो आप देख सकते हो कि इसकी लाइट कुछ इस टाइप से है। ये अपनी लो बीम है और ये अपनी हाई बीम है, तो फ़र्क आप देख सकते हैं। और अभी हम इसको स्विच करेंगे वाइट वाले बल्ब के साथ। तो चलिए एक बार मैं इसको पूरा फिट कर लेता हूँ। बाकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको पहले जैसे फिट हमने करे थे अपने नॉर्मल वाले हेलोजन बल्ब, उसी को फिट करना है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। वायरिंग की अगर हम बात करें तो गाइज़ मैंने अपनी कार में रिले ऑलरेडी लगाई हुई है। अगर आप इसको फिट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि भाई रिले ज़रूर लगाना। अगर रिले नहीं लगाओगे तो फिर आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, इवन ये बल्ब भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे जैसा इनका वर्क होता है, इनका बिल्कुल भी वैसा वर्क नहीं हो पाएगा। तो अभी जो ये वाली साइड में लाइट आप देख सकते हैं, इसमें हल्का सा ब्लू इफेक्ट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। और वैसे अगर हम दूर से देखेंगे तो ऐसे कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसमें कोई भी लाइट हमने चेंज करी है या फिर वाइट लाइट है। तो मैं आपको एक बार दूर से इसका लुक दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोनों लाइटें सेम दिख रही हैं, पर ये वाली जो है थोड़ा सा कम येलो दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा येलो दिख रही है। अब ऐसा करते हैं कि एक साइड में ही लाइट को फिट करते हैं, दूसरी साइड में लाइट को फिट नहीं करते हैं। शाम के वक्त मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों ही फिट कर दी तो एकदम मैं भी समझ नहीं पाऊंगा और आप भी शायद अच्छे से नहीं समझ पाएं। इसलिए हम एक ही साइड में जो है अपनी अभी लाइट फिट करते हैं, दूसरी साइड में भी हमने बल्ब चेंज नहीं कराया और उसको हम चेंज नहीं करेंगे।
तो एक बार इसको हाई और लो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसी दिख रही है और कैसी जल रही है। तो ये जो है इसकी लो बीम है और लो बीम में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि एक साइड में तो हमने बल्ब फिट कर लिया है, अब हम रात का इंतज़ार करते हैं। अब मैं आपको सीधे इसको रात में ही दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है रात में। अभी अगर हम अपने दूसरे वाले बल्ब की बात करें जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि इसका रिव्यू दूंगा, तो भाई मैं कोई ऐसे सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं शॉर्ट रिव्यू इसका दे रहा हूं यहां पे। तो बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे भाई रिफ्लेक्टर्स काले हो जाएंगे और ये सब प्रॉब्लम आती है, बैटरी ड्रेन हो जाती है एकदम से। तो मेरे साथ भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इवन मेरी कार की बैटरी को मोर देन 4 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, या फिर जो हमारे बल्ब की वजह से हमारे रिफ्लेक्टर्स काले हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। रात में मैं कम से कम नहीं भी चलाता हूँ तो पर डे मैं कम से कम 10 या 15 मिनट की राइड जरूर करता हूँ, या एक एक दिन छोड़ के 10-15 मिनट की राइड में जरूर करता हूँ। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इस बल्ब में। हाँ, इस बल्ब की कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसमें थोड़ा सा कलर चेंज दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, बाकी इस बल्ब में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आप जब भी बल्ब को पकड़ें तो कोशिश करें कि उसके नीचे यहाँ से पकड़ें, ऊपर से नहीं पकड़ें। लेंस से पकड़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी फिंगरप्रिंट आ जाए और वो लेंस के लिए अच्छा भी नहीं होता, ऊपर कांच के लिए। अभी इसको हम रात में चेकआउट करेंगे कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है। अगर आपको लेने होंगे ये वाले बल्ब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, H4 बल्ब में किसी भी कार में आराम से फिट हो जाएंगे। बाकी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई HID इंस्टॉल करो, तो भाई मैंने HID इंस्टॉल करके उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, पर वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और इसके अगली वाली वीडियो जो है वो HID के ऊपर ही होगी। अभी जो है प्रॉपर रात हो चुकी है और ये टाइम जो होगा सबसे बेस्ट टाइम होगा हमारी लाइट्स को देखने का। तो एक बार आप मेरी पहले वाली लाइट्स का रिस्पांस देख लीजिए जो मैंने पहले लगाई थी हेलोजन की, तो एक बार आप उनको देख लीजिए, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से जो है रात हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अभी जो है लो बीम पे मैंने लाइट सेट करी और काफ़ी अच्छी जो इसकी लो बीम की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो लाइट आगे फैल रही है और इधर उधर जा रही है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मुझे इसमें देखने को मिल रही है। अभी जब मैं हाई बीम ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आ चुका है। लो बीम ये है और हाई बीम ये है। लाइट को अगर मैं यहाँ से एडजस्ट भी करूँ तब भी आप देख सकते हैं आपको लाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हुई दिख रही होगी। तो ये हमारी मोटर से ऊपर नीचे हो रही है, तो मतलब जो येलो वाली लाइट है काफ़ी अच्छी लाइट है और मुझे इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, जो मेरे सामने वाला आदमी आ रहा है उसको एक पल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पर रात के टाइम पे ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जब आप चल रहे होते हो और सामने वाला आपको अपनी जो बीम है उसको लो नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी हाई बीम ऑन कर लो एक बार, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगी और वो अपनी जो हाई बीम है उसे लो बीम में कन्वर्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी हाई बीम और लो बीम है। अब मैं एक बार बाहर से आपको इसका लुक दिखाता हूँ कैसे बाहर से हमें लग रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, ये देखिए जो लाइट की बीम है काफ़ी तेज़ है। और अभी जो है हाई बीम पे लाइट सेट है, मतलब पीछे भी पूरा उजाला हो चुका है, वहाँ वहाँ तक लाइट जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से जो है लाइट मेरे पे आ रही है। तो जैसे हमारी हाई बीम काम कर रही है और लो बीम दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रही हैं। ये आपने वाली वीडियो देखी, उस वीडियो में मैंने साफ साफ बोला है कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो चलिए अब हम अपनी जो नई वाली लाइट है उसको ऑन करके देखते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली लाइट अच्छी लाइट है और मुझे थोड़ी सी कम ब्राइट लग रही है ये वाली जो हमारी नई वाली लाइट है। अभी हम इसको बाहर से भी देखेंगे। बाकी अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ यहाँ पे ना, अब शायद कैमरे में तो इसे समझ नहीं आ रहा होगा, पर जो नीचे वाला पार्ट है ये वाइट दिख रहा है और जो इस साइड में हमारा पहले लगता था ना वो येलो ही है। ठीक है, ये वाला पार्ट वाइट है, बाकी सामने जो है शायद से लाइट येलो ही दिख रही है। तो मैं एक बार आपको बाहर से दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। इस साइड की लाइट को मैं छुपा लेता हूँ, तो आप देख सकते हो ना ये वाली लाइट थोड़ी सी कम ब्राइट लग रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये वाली लाइट काफ़ी कम ब्राइट है। अगर हम इस साइड की लाइट की बात करें तो आप यहाँ की लाइट का रिस्पॉन्स देखो, तो फ़र्क आप देख सकते हो कि जो हमारे पहले वाले येलो बल्ब है ना काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं और जो वाइट वाली लाइट है वो थोड़ी सी कम ब्राइट लग रही है मेरे को। अभी शायद से हाई बीम पर मैं एक बार बीम चेक करता हूँ, तो लो बीम पर एक बार मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ हमारी वाइट वाली लाइट का। तो हाँ, लो बीम पे भी जो है उतना अच्छा थ्रो नहीं है इस वाली लाइट का जो हमारी पहले वाली लाइट है उसके कंपैरिजन में। पहले वाली लाइट आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दे रही है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इसमें मुझे रोड में लाने की ज़रूरत भी नहीं है, कि लाइट जो है येलो वाली काफ़ी अच्छी लग रही है और दूर से जो है कोई बहुत फ़र्क नहीं है, एकदम कोई पहचान नहीं पाएगा कि इस साइड में जो है वाइट लाइट लगी, इस साइड में येलो है।
मतलब मोस्टली आपको दोनों सेम ही लाइट दिखने वाली है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको कौन सी वाली लाइट लगानी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये वाली लाइट लगाओ, ये हमारी फिलिप्स की है और ये काफ़ी चीप भी है जो हमारी नई वाली लाइट है। मतलब 100 रुपये का पूरा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे से 550 के अप्रॉक्स ही मिली है और जो नई वाली हमने मंगाई है वो 650 की है, 650 की है। तो आप इस वाली लाइट में जा सकते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, कोहरे के टाइम पर ये लाइट काफ़ी अच्छा वर्क करेगी, वाली लाइट बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं करेगी। क्योंकि मुझे पता है ना, वाइट लाइट में होता यही है कि वो एकदम से मिक्स हो जाती है कोहरे के साथ। वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर से मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है येलो वाली, मतलब हमारी जो पुरानी हेलोजन फिलिप्स की लाइट है वो आप लगाओ, व्हाइट वाली लाइट लगाने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि व्हाइट वाली लाइट जो अच्छा वर्क नहीं कर रही है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली वीडियो है वो HID के ऊपर ही आए, क्योंकि HID की वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर ली है। तो पहले मैंने सोचा कि एक बार हेलोजन के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको HID का रिस्पॉन्स भी दिखा दूंगा। तो गाइज, मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टमेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।